अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं वजीह सानी और मैं हूं सना मिर्जा। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। नवाबशाह का रेलवे फाटक शहरियों के लिए रहमत के बजाय जहमत बन गया। दोनों जानब घंटों ट्रैफिक जैम रहने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर। एक तरफ मुल्तान के अवाम डकैतियों की वारदातों से परेशान हैं, तो दूसरी जानब नवाबशाह का रेलवे फाटक शहरियों के लिए रहमत के बजाय जहमत बन गया है। फाटक की दोनों जानब घंटों ट्रैफिक जैम से मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर रहते हैं। इस ट्रैफिक जैम का अहवाल बता रहे हैं अनवर शेख इस रिपोर्ट में। 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल नवाबशाह शहर रेलवे लाइन के बाइस दो हिस्सों में बटा हुआ है। जरूरियात जिंदगी के हुसूल, अस्पताल, स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए पुराना नवाबशाह के मकीन शहर की दूसरी जानिब जाना चाहें तो मिनटों का यह सफर बंद फाटक की वजह से घंटों लंबा हो जाता है। स्कूल कॉलेजेस तमाम उस तरफ हैं, सरकारी दफातर जो तमाम है वो शहर के पहली तरफ है। बसा अवकात हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी मंडी रेलवे फाटक ट्रेनों की आमदोरफ्त के बाइस अक्सर कई घंटे बंद रहता है। तालिब इलम, मरीज, खवातीन और बच्चे तपती धूप में फाटक खुलने का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। फाटक बंद हो जाता है जिसकी वजह से हमें स्कूल में मार पड़ती है। आवाम का मुतालबा है कि फाटक के मुकाम पर अंडरपास या फिर पुल बनाया जाए तो बरसों पुराना ये मसला हल हो सकता है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि यहाँ अंडरपास या फ्लाईओवर बनाकर आवाम को सहूलियत मुयसर की जाए। काम भी इस मसले को तस्लीम करते हैं। उनका कहना है कि फंड्स की कमी मंसूबे में रुकावट है, फंड्स मिलते ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ये काफी दिनों से मकसद कहने का जेर इल्तवा पड़ा हुआ है और काफी कोशिश की है लेकिन रेल के पास फंड ना होने की वजह से ये अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचे। आवाम का कहना है कि कीमती जान और वक्त का जिया रोकने के लिए सब्जी मंडी रेलवे फाटक पर अंडरपास या बालाई पुल की तामीर जल्द शुरू की जाए। कैमरामैन असद बुखारी के साथ मोहम्मद अनवर शेख, जियो न्यूज, नवाबशाह।